प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजार्ड और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आप लोगों को पटवारी जो आपके आने वाली एग्जाम है, संविदा शिक्षक भी आने वाली है और आपकी जो एसआई की परीक्षा जो की अक्टूबर में ही और आरक्षक जो नेक्स्ट मंथ ही है, उसके लिए हमने आपके लिए 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, जिनके जो वो क्वेश्चन जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे वीडियो अभी आपके लॉजिक गुरु पे ऐसी ही सीरीज चल रही है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप हमारे वीडियो देखते रहें और इसके लिए सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, क्योंकि हम इसमें कई आपके ऐसे टॉपिक लिए हैं जिनके आने की संभावना आपके जो आरक्षक में उसमें भी ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने आपको जुलाई वगैरह पे करंट अफेयर उपलब्ध कराया है, जुलाई के, और इसके अलावा जून वगैरह के भी एक-एक करके हम आपको करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे बहुत ही डीप में, और सिर्फ खास ये है क्योंकि 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो भी विविध का है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिलाएं, ठीक है, जिन्होंने भारत के लिए कुछ काम किया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण महिलाएं है। ठीक है, जो विविध पोर्शन में से आता है, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिलाएं, ये अक्सर आपके पूछे ही जाते हैं। अभी आपके हाई कोर्ट के जो स्टेनो में एग्जाम हुई थी उसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसी 2 से 3 क्वेश्चन इसी पोर्शन से थे। तो अब इन टॉपिक्स को तैयार करना ना भूलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से, भारत में प्रथम महिलाएं, प्रथम भारतीय महिलाएं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, अब राष्ट्रपति है तो हम जैसा ही जानते हैं राष्ट्रपति पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और राष्ट्रपति पे हमने आपको वीडियो उपलब्ध करा दी है, फैक्ट पे और चुनाव पे भी। ठीक, तो पहली महिला राष्ट्रपति पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, जो आपके प्रणब मुखर्जी से पहले इनका कार्यकाल था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? आइए देखते हैं, और यह है श्रीमती मीरा कुमार। जैसे कि हम जानते हैं मीरा कुमार जो थी अभी राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए की दावेदार थी, श्री रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति बने उनके अगेंस्ट थी। ठीक, तो राष्ट्रपति पद की दावेदार थी, यूपीए की तरफ से उनकी कैंडिडेट थी, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन क्या कहते हैं बन सकता है। और ये थी हमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और अभी जो आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन पेपर बनाने हैं आपके, अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुमित्रा महाजन है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायाधीशों पे अभी बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीशों में कॉलेजियम प्रणाली पे और अभी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा यानी कि एक ही भर्ती परीक्षा पे क्या कहते हैं बहुत बहस चल रही है, तो न्यायालय से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम देखते हैं कौन थी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, और ये थी फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? आइए देखते हैं क्वेश्चन, और यह थी हमारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, आइए देखते हैं, और यह थी मदर टेरेसा। नेक्स्ट, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आइए देखते हैं, गेम्स से हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आइए देखते हैं। और ओलंपिक में इस बार तो साक्षी मलिक और सिंधु का भी नाम बहुत चला, तो इस बार ओलंपिक्स हो सकता है पास्ट में से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, इनके ऊपर अभी मूवी बन चुकी है, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन बन जाए, तो वो थी आपकी नीरजा भनोट। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं अंतरिक्ष से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, करंट में बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत ने कई परचम लहराए हैं इस साल और पिछले साल आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, तो अंतरिक्ष से करंट का क्वेश्चन तो बनता ही है और पास्ट में से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखते हैं, पास्ट का क्वेश्चन बनाते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, और वो थी कल्पना चावला। नेक्स्ट है, कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ठीक है, आइए देखते हैं, और वो थी सुचेता कृपलानी, जो की मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। अब चूंकि यूपी में चुनाव हुआ है, ठीक है, तो यूपी करंट का टॉपिक हो गया, और यूपी के अगर आप क्या कहते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री याद करेंगे, तो हो सकता है क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपी करंट का टॉपिक है। ठीक है। तो सुचेता कृपलानी जो कि थी यूपी से मुख्यमंत्री, जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, और वो थी बछेन्द्री पाल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो आइए देखते हैं। तो ये थी हमारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक। नेक्स्ट है कौन भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी, ठीक है, आइए देखते हैं। और ये थी हमारी राजकुमारी अमृता कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासक कौन थी, ठीक है, आइए देखते हैं इसका जवाब। और ये थी गुलाम वंश से रजिया सुल्तान, ठीक है, आइए। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार अभी मिल चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं 17 लोगों को मिला है, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार देखें कि पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिन्हें मिला था, और तो वो थी एन लमस्टेन जो कि थी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस पहली भारतीय महिला ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। जैसे कि हम जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। तो आइए देखते हैं किसने जीता था ये पुरस्कार, तो ये थी आशा पूर्णा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, आइए देखते हैं इसका जवाब, और वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला भारतीय राजदूत कौन थी, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और ये थी विजयालक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, देखते हैं कौन थी, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट पहली भारतीय महिला सांसद कौन थी, ठीक है, तो ये देखें एक और आगे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये थी राधाभाई सुबारायन। क्वेश्चन नंबर 20, किस पहली भारतीय महिला ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था, तो आइए देखते हैं, और वो थी भानु अथैया। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे प्रथम भारतीय महिलाओं पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके विविध पोर्शन में से आते हैं। तो आप किसी भी हाल में विविध पोर्शन करना ना भूलें। भारत में सबसे ऊंचा बड़ा छोटा, ठीक है, ये भी हमने आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया है, प्रथम भारतीय महिलाएं, ठीक है, प्रथम भारतीय पुरुष वगैरह पे भी हम आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ये आप किसी भी हाल में क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पुराने वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, ओके। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पुराने वीडियो जो आने वाले वीडियो भी आपको अपडेट होते रहे तो प्लीज बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और इन सब के लिए प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं अलग अलग न्यूज और आपको क्या कहते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स और क्या कहते हैं न्यूज़पेपर के टॉपिक्स आपको मिलते रहे, तो प्लीज हमारे जो नीचे लिंक दी हुई है फेसबुक पेज की, उस पर जाना ना भूलें, और उस फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, ओके, थैंक यू।